ऐ राह हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक, कहना साथी मेरे कुछ सोखता जा, अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना है, ऐसे तंबों के तलबगार बहुत और भी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के इस सेकेंड एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप पिछली एपिसोड 1 वाली वीडियो फिर से एक बार देख लें, ताकि आपको आगे की कहानी अच्छे से समझ आ सके। दोस्तों, हिस्ट्री हमेशा तीन तरह के नज़रियों पर बेस्ड होती है। पहला वो जिसने इतिहास बनाया और अपनी पहचान इतिहास के पन्नों में दर्ज की। दूसरा वो जिसने इतिहास लिखा और उन वाक्यों को लफ्ज़ों के रूप में किताबों में बंद कर दिया। और तीसरा वो जो उन इतिहास की किताबों से उन वाक्यों को पढ़कर अपने जहन में एक तस्वीर बनाता है। मगर मेरा मानना है कि हिस्ट्री को हमें जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। बस हमें उस हिस्ट्री को इल्म की तरह से समझना चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि ट्रावनकोर लाइंस, करगनूर और आर्यकोटा की वो किले, ये वो लड़ाइयाँ थीं जिनकी वजह से थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का शुरुआत हुई। December 14, 1789 को सुल्तान ट्रावनकोर लाइंस के करीब आके रुके और अपने एक वकील को राजा वर्मा के पास भेजा इस हुक्म के साथ कि ट्रावनकोर लाइंस का वो हिस्सा जो सुल्तान की सरपरस्ती वाली ज़मीन पर आता है, उसको पीछे हटाया जाए और करगनूर और आयाकोटा के किलों को खाली किया जाए। मगर सुल्तान के इस हुक्म को राजा ऑफ ट्रावनकोर ने मानने से साफ इनकार कर दिया। उसी दौरान सुल्तान ने अपनी फ़ौज को ट्रावनकोर लाइंस के आसपास छुपे हुए रिबल्स को पकड़ने की एक मुहिम चलाई। ये रिबल्स जंगलों में छुपे हुए थे और वो बारी बारी सुल्तान के लश्करों पर हमला करते और वापस जंगलों में जाके छुप जाते। सुल्तान से हुक्म मिलने के बाद उनके जानिसार सिपाहियों ने उन रिबल्स को चारों तरफ से घेर कर उन्हें पकड़ लिया। और जब उन लोगों को सुल्तान के पास ले जाया जा रहा था, ट्रावनकोर फ़ौज की एक टुकड़ी ने सुल्तानी फ़ौज पर एक तरफ से हमला शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में सुल्तान की फ़ौज ने भी ईस्टर्न बाउंड्रीज़ पे ऊपर घमासान गोलाबारी कर दी। और 28 दिसंबर 1789 को एक ऐसा वाकया पेश आया जो हिस्ट्री के पन्नों में शायद कहीं भुला दिया गया है। मुहिब्बुल हसन अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ टीपू सुल्तान में लिखते हैं कि सुल्तान 28 दिसंबर की रात के हमले में मौजूद नहीं थे। मगर मीर हुसैन अली किरमानी अपनी किताब में लिखते हैं कि सुल्तान इस हमले में मौजूद भी थे और ज़ख्मी भी हुए थे। इसीलिए मैं किरमानी की किताब वाला वाकया अभी आपको सुनाऊँगा। मीर हुसैन अली किरमानी लिखते हैं कि सुल्तान के आने की खबर मिलते ही दुश्मन की फ़ौज ने अलग अलग जगहों पर अपनी फ़ौज को जमा कर लिया था और नदी की दोनों नहरों के पास खंदक खुदवा के उसमें छुपे हुए थे। और जब उस रात सुल्तान ने अपनी एक छोटी सी टुकड़ी के साथ उन छुपे हुए रिबल्स को जंगलों में से पकड़ने के लिए आगे बढ़े, तो सुल्तान की फ़ौज पर हमला कर दिया गया। सुल्तान ने भी अपने जाबाजों को दुश्मनों पर हमला करने का हुक्म दिया और वो ख़ुद भी हमले में शामिल हुए। सुल्तान को जब उनके सिपाहियों ने अपने साथ देखा तो उनके जोश और हौसले की कोई इंतहा न रही। सुल्तान ने अपने साथ कुछ मुट्ठी भर सिपाही लेकर नदी के दोनों नहरों को क्रॉस किया और आगे बढ़े। नहरों के उस पार दुश्मनों ने एक दीवार की तरह का एक स्ट्रक्चर बना रखा था, जिस पर चढ़ के वो गोलियां चला रहे थे। वहां का पैसेज ऐसा था कि ठीक से खड़ा होना भी मुश्किल था, और नदी में तो पानी कम था मगर वहां के पत्थर बहुत ज़्यादा स्लिपरी थे। बगल वाली तरफ से सुल्तान के 2 रिसाला और 2000 घुड़सवारों ने हमले शुरू किए, और कुछ ही देर में सुल्तान के रिसालादार सिपाहियों ने रस्सी और सीढ़ियों की मदद से ऊपर दीवारों पर चढ़ने में कामयाब हुए। और जब दुश्मन फ़ौज ने रिसालादार सिपाहियों को इस तरह दीवारों पर चढ़ते हुए देखा, वो फौरन नीचे कूदे और वहाँ से भाग गए। और जिस तरफ सुल्तान और उनके कुछ मुट्ठी भर सिपाही खड़े हुए थे, वहाँ पर सुल्तान ने अपने कुशून लश्कर को आने का हुक्म दिया। और जैसे ही कुशून लश्कर सुल्तान की मदद के लिए आगे बढ़ा, तो दुश्मनों ने नदी के ऊपर के हिस्से में बनाया हुआ एक डैम को तोड़ दिया, जिसकी वजह से चारों तरफ पानी का बहाव बढ़ गया। सुल्तान और उनके कुछ मुट्ठी भर सिपाही उस दीवार और नदी के बीच में फंस गए। और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए सुल्तान के दुश्मनों ने दीवार की दूसरी तरफ से भयानक हमले शुरू कर दिए। एक तो रात का अंधेरा था और तेज़ बहती हुई नदी, और दूसरी तरफ दुश्मनों ने रीग्रुप होकर अंधाधुंध गोलियाँ चलानी शुरू कर दी। सुल्तान के सिपाहियों ने अपनी पूरी ताकत से दुश्मनों का मुकाबला किया, मगर नाकाम रहे, और लगभग 300 से ज़्यादा सुल्तान के वफ़ादार सिपाही वहाँ पर शहीद हो गए। हर तरफ गोलियों और मरने वालों की आवाज़ से वो पूरा इलाका गूंज रहा था और चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। सुल्तान खुद आगे बढ़ बढ़ कर हमले किए जा रहे थे, मगर दुश्मन की तादाद बहुत ज़्यादा थी और वो ऊंचाई पर खड़े हुए थे। कमरुद्दीन ने सुल्तान के पैरों में गिर के इल्तिजा की कि हमें पीछे हटना पड़ेगा।
क्योंकि दुश्मन ने हमें उस नदी और दीवार के बीच में फंसा दिया है। सुल्तान बिल्कुल पीछे हटना नहीं चाहते थे, मगर चारों तरफ उनके जानिसार सिपाहियों की लाशों को देखकर सुल्तान ने अपने बचे हुए सिपाहियों की खातिर पीछे हटने का फैसला किया। मगर अफसोस, उस लड़ाई में सुल्तान के साथ गए हुए लगभग सभी शहीद हो गए। सुल्तान और कमरुद्दीन खान जख्मी हालत में उस नदी को क्रॉस करने में कामयाब रहे। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से उस रात सुल्तान की एक अंगूठी और तलवार दुश्मनों के हाथ लग गई और उन्हें एक पालकी भी बरामद हुई वहां से, जो शायद जख्मी सुल्तान को ले जाने के लिए वहां लाई गई थी और वो वहीं पे छूट गई। इस लड़ाई में सुल्तान के कुछ खास सालार शहीद हुए थे, जिनके नाम हैं तुरबुत अली खान, मोहम्मद उमर, उर्स बेग और सैयद खान, जो सुल्तान के दरोगा थे। किरमानी लिखते हैं कि इस हादसे के बाद सुल्तान के गुस्से की कोई इंतहा नहीं थी। उन्होंने हुक्म दिया कि फौरन वहां आसपास के पेड़ों को काटा जाए और एक ब्रिज बनाया जाए, और जब ब्रिज बनकर तैयार हुआ तो सुल्तानी फौज कहर बनकर टूट पड़ी दुश्मनों पर। हर सिपहदार और मुआकदार अलग अलग जगहों से हमले किए जा रहे थे दुश्मनों पर, और ऐसा बदला लिया गया कि उनके सर उनके तनों से जुदा कर दिए गए। सुल्तान के कहर का सामना ना कर पाने की सूरत में उनके दुश्मनों ने अपनी सारी चीज़ों को छोड़ के मालाबार की तरफ भाग गए। दोस्तों, इस वाकये को मीर हुसैन अली किरमानी ने लिखा है, जो खुद सुल्तान के दरबार में एक मुंशी थे। मगर मुहिब्बुल हसन ने अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ टीपू सुल्तान में इस वाकये का जिक्र तो किया है, मगर उन्होंने लिखा है कि सुल्तान उस हमले में शामिल नहीं हुए थे। मगर मेरा एनालिसिस ये कहता है कि सुल्तान वहाँ मौजूद थे और वो शायद ज़ख्मी भी हुए होंगे, क्योंकि इस तरह का हमला सुल्तान की इजाज़त के बग़ैर उनके सिपहसालार कभी ना करते, और अगर उन रिबेल्स को पता नहीं होता कि सुल्तान खुद मौजूद हैं इस लड़ाई में तो वो कभी भी उस डैम को नहीं तोड़ते। बहरहाल, मुहिब्बुल हसन ने लिखा है कि उस 28 दिसंबर की रात के वाकये के बाद सुल्तान 2 महीनों तक वहीं पर रुके, और राजा को गिरफ्तार किए हुए फ़ौजियों को भी वापस कर दिया गया। एक बार फिर दोबारा सुल्तान ने सुलह करने के लिए गवर्नर ऑफ मद्रास को भी ख़त लिखा 7 फरवरी को, जिसका जवाब तो नहीं आया, मगर सुल्तान ने दोबारा 22 फरवरी को एक पैगाम भी भिजवाया। इस बार राजा को पास मौका था कि वो चाहता तो सुलह कर सकता था, लेकिन 1 मार्च 1789 और April 9, 1789 को ट्रावनकोर की फ़ौज के 2 लश्करों ने, जिसमें लगभग 3,000 सिपाही थे, सुल्तान की फ़ौज पर फिर से उन्होंने हमला किया, और फिर से एक बार सुल्तान की फ़ौज ने उन्हें बुरी तरह से पछाड़ा और वो वहां से भाग गए। सुल्तान ने अब तक हर मुमकिन कोशिश की थी सुलह करने के लिए। इस मुहिम में सुल्तान के अपने ख़ास लोगों की शहादतें हुई थी, जो सुल्तान के बेहद करीब थे। सुल्तान यहां पर किसी पर कब्ज़ा करने के लिए या फिर लूट मार करने के लिए नहीं आए थे। वो बस चाहते थे कि करगनूर और आयाकोटे के किले को ब्रिटिश के हाथों में जाने से रोका जाए, और ट्रावनकोर लाइंस का वो हिस्सा जो सुल्तान की सरहद में आता है उसे हटाया जाए। और जो सुल्तान कह रहे थे वो बिल्कुल हक पर था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अंग्रेज़ों को वो किले मिलने के बाद अंग्रेज़ों ने पूरे हिंदुस्तान के साथ क्या किया। अब हज़रत टीपू सुल्तान ने ट्रावनकोर के राजा को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से ट्रावनकोर पे हमले का ऐलान कर दिया, और फिर April 12, 1790 की सुबह को मैसूर फौज ने फुल स्केल अटैक शुरू कर दिया ट्रावनकोर पे। तो दोस्तों, आज के एपिसोड 2 में बस इतना ही। आगे का वाकया मैं आपको अगले आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। अगर आपको मेरा ये प्रेजेंटेशन और कहानी बताने का तरीका और अंदाज़ अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।